धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर। कोयला कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में जेल जाने वाले न्यूज 11 के मालिक अरूप चैटर्जी की घेराबंदी पुलिस ने रात में ही शुरू कर दी थी। पुलिस ने इसके लिए तमाम जाल बिछाकर कार्रवाई शुरू की थी। अरूप चैटर्जी के गिरफ्तारी से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन को मेडिकल टीम तैनात करने को कहा। सुबह 8 बजे सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने अरूप चैटर्जी का मेडिकल किया। मेडिकल जांच में अरूप चैटर्जी पूरी तरह से फिट पाए गए। हालांकि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा कम हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे नॉर्मल माना। डॉक्टरों से फिट घोषित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने अरूप चैटर्जी को सदर अस्पताल से सीधे मंडलकारा जेल लेकर चले गए। जेल जाते समय अरूप चैटर्जी ने मीडिया के समक्ष कहा कि धनबाद पुलिस के द्वारा उसे फंसाया गया है। कहा कि धनबाद में 2000 करोड़ का अवैध कोयले के कारोबार का खेल हुआ है। कहा कि मामले को लेकर वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोयला चोरी का पर्दाफाश करने से उन पर कार्रवाई की जा रही है। अरूप चैटर्जी ने कहा कि जेल जाने से भी डरने वाले नहीं है वो, पहले जैसा काम करते थे वैसा ही न्यूज 11 काम करता रहेगा। हालांकि अरूप चैटर्जी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मीडिया जगत में चर्चाएं तेज है। पुलिस के मुताबिक अरूप चैटर्जी की गिरफ्तारी पैसा उगाही के एक मामले में की गई है। धनबाद के एक कारोबारी ने उनके खिलाफ पैसा उगाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने अरूप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जानकारी होगा कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद राकेश ओझा से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। राकेश धनबाद के गोविंदपुर में शिवम हार्ड को का व्यवसाय है। अरूप चैटर्जी के ऊपर राकेश से जबरन 11 लाख रुपए उगाही करने का आरोप है। पैसे नहीं देने पर बर्बाद कर देने की धमकी देने का भी आरोप है। न्यूज 11 भारत के संचालक अरूप चैटर्जी पर पूर्व से तकरीबन 22 मामले झारखंड के अलग अलग थानों में दर्ज है। करीब आधा दर्जन मामलों में पहले से वारंट भी जारी हुआ था। पिछले कई वर्षों से ये पुलिस से बचता आ रहा था। जब धनबाद पुलिस ने अरूप को गिरफ्तार किया, पुलिस को सामने देख अरूप के पसीने छूट गए। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाया भी, हाथ जोड़े, लेकिन कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। न्यूज 11 के मालिक अरूप चैटर्जी पर पहले से धोखाधड़ी, जबरन वसूली, धमकी देने, ठगी समेत कई मामले पूर्व से दर्ज। धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है और एसपी यहाँ के मुख्य जो इस नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है और एसपी यहाँ के मुख्य जो